सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। रायपुर के मेडिकल शिक्षा संचालनालय ने अध्ययन करके प्रदेश में करीब 60 से 70 हजार मरीज मिलने का शोध किया था। साथ ही अब लोगों को इससे सावधानी बरतने के बारे में भी बताया जा रहा है। लोगों ने अगर एडवाइजरी का पालन नहीं किया गया तो फिर कोरोना को हराना मुश्किल होगा। मेडिकल शिक्षा के उप संचालक डॉक्टर निर्मल वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्य राजपूत ने। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग सर्वे करके बताए थे कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो 60 से 70 हजार मरीज आ सकते हैं, क्या वो पल आ रहा है? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में आप देख रहे हैं लगभग डेली 80 से 100 इवन कई कई दिन 100 से ज्यादा मरीज नए डायग्नोस हो रहे हैं। और यदि हम लोगों में जागरूकता की बात करें तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय लोग ज्यादा जागरूक थे जबकि केसेस कम थे। वर्तमान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में जागरूकता की लगातार कमी आती जा रही है। यदि हम बाजार में देखें, दुकानों पर देखें तो बहुत कम लोग ऐसे मिल रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या जो मास्क लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा खतरे में लोग हैं, जो बहुत से लोगों को डील करते हैं, चाहे वो किराना व्यापारी हो, चाहे वो जनरल स्टोर चलाने वाला शॉपकीपर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो, वो स्वयं भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो वो एक ही चिंताजनक बात है। इसको रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार को तो पहले से पता है और वो किस तरह की प्रयासरत है ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले? सरकार ने तो नियम बना दिए हैं और उस पर कहीं कहीं पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन जब हम देखें इस बीमारी के तो अधिकांश पहलू सामाजिक लोगों का जो परिवेश है, जो उनका रहन सहन है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उस पर पूरा निर्भर करता है। तो यदि हम इसको इस तरीके से देखें कि हम अपनी जवाबदारी समझते हुए यदि लोग उस पर अपना व्यवहार करें, दिनचर्या को निर्धारित करें, अनावश्यक बाहर ना घूमें, हाथ धोते रहें लगातार, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें, और सबसे बड़ी बात घर से बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें और मास्क का लगातार उपयोग करें, ये चीज़ें तो स्वयं को समझना होगा। यदि हमको खुद को बचना है, हमारे परिवार को बचाना है और हमारे समाज को बचाना है तो ये आवश्यक है। ये व्यक्तिगत लोग स्तर पे उपाय लेने होंगे और इसको एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे देखना होगा। तो अभी आपने डॉक्टर वर्मा को सुना, जिनका साफ कहना है अगर हम सावधानी नहीं बरते तो दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी और ऐसे में स्थिति खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन जगह के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।